हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शेखावत एंड यू आर वाचिंग एब्सोल्यूट अभी, जहां हम बात करते हैं फैशन, फिटनेस, लाइफस्टाइल और हमारी फेवरेट स्पेनिश क्लास के बारे में। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो अगेन स्पेनिश क्लास के ऊपर होने वाला है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार आप लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। लोग मुझे जब मैसेज करते हैं तो मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होता है और मुझे लगता है कि यस यार, शायद कहीं मैं किसी ना किसी की हेल्प जरूर कर रहा हूँ एंड मेरे इस स्टेप से कहीं ना कहीं किसी की लाइफ जरूर चेंज होगी। तो इसलिए मैं खुद भी मोटिवेट ज़्यादा होता हूँ स्पेनिश वीडियोस बनाने के बारे में। तो कल जैसे मेरा जो वीडियो पब्लिश हुआ था उसमें मैं सेंटेंसेस बताने लग गया था डायरेक्टली, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा कि ग्रामर तो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हैं, उससे हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मुझे भी ये लगा कि मुझे डायरेक्ट सेंटेंस में ही बात करनी चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्पेनिश क्लास, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है कि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और आपको ये ज्ञान बढ़ाते रहना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में ज़रूर शेयर करना है, स्पेशली स्टूडेंट लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि लाइफ में कुछ नया सीखना हो तो मतलब इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता और हमें हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे हमारा व्हाइट बोर्ड और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी से कुछ एड्रेस पूछना होता है, किसी के बारे में पूछना होता है, किसी बैंक के बारे में पूछना होता है, कोई रेस्टोरेंट के बारे में पूछना होता है, ऐसी कई डिफ़िकल्टीज़ हम कहीं पर जाते हैं, किसी नए शहर में जाते हैं तो ये चीज़ आती है। तो सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास है वो हम उसी बारे में स्टार्ट करने वाले हैं कि फीलिंग लॉस्ट, जब हम कहीं गुम हो जाते हैं। तो जैसे किसी से कुछ पूछना है तो दोंदे एस्ता अल रेस्टोरेंटे, रेस्टोरेंट दोंदे एस्ता, मतलब ये करके आपको जो भी आगे पूछना है वो पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है दोंदे आए उन बैंको, बैंक, बैंक को बैंक बोलते हैं। जिन लोगों ने मनी हाइस्ट देखी होगी उनको पता होगा कि बैंको, बैंको स्पानिया, अगर आपको याद हो वो बैंको यही है, मतलब बैंक, ठीक है। तो दोंदे अस्ता, फिर जो भी आपको पूछना है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। दोंदे अस्ता मी होटल, सपोज आप किसी सिटी में गए हुए हैं और आपको पता नहीं है कि मेरा होटल का एड्रेस कहाँ है, तो आप ये पूछेंगे किसी भी, जब अगर आप स्पेन में हैं या साउथ अमेरिकन की किसी कंट्री में हैं तो आप पूछेंगे दोंदे अस्ता मी होटल और फिर उसको एड्रेस दिखाएंगे, नहीं तो उसको भी नहीं पता होगा कि कौन सा होटल है। तो या आप ये भी पूछ सकते हैं कि दोंदे अस्ता अल होटल हिल्टन, फॉर एग्जांपल, अगर आपको नाम अगर इजी है तो आप ये पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप ये पूछ सकते हैं दोंदे अस्ता मी होटल और आप उसे एड्रेस दिखाएंगे तो सामने वाला आपको बता देगा। दोंदे आए उन बैंको, ये एच ए वाई है, इसे जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आई, दोंदे आए उन बैंको, ये बैंक कहाँ पे है या ये बैंक कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दोंदे आए उन काखेरो ऑटोमेटिको, देखिए ये अगर आप, जब मैं वर्ड्स वाले वो क्लासेस लेता था तब मैंने बताया था कि काखेरो ऑटोमेटिको मीन्स एटीएम, ठीक है। अगर सपोज आपको एटीएम ढूंढ रहे हैं तो आप ये पूछेंगे दोंदे आए उन काखेरो ऑटोमेटिको, क्योंकि अगर वहाँ अगर आप एटीएम बोलेंगे तो कोई भी समझेगा नहीं, हमें यही बोलना पड़ेगा दोंदे आए उन काखेरो ऑटोमेटिको, ठीक है। मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ, दोंदे एस्ता अल रेस्टोरेंटे, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आप, तो दोंदे एस्ता, दोंदे मतलब कहाँ, ठीक है। दोंदे अस्ता मी होटल, अगेन आपको एड्रेस दिखाते हुए पूछना होगा। दोंदे आए उन बैंको, दोंदे आए उन काखेरो ऑटोमेटिको, ठीक है। ये प्लीज आप लिख लें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। अब अगर आपको हॉस्पिटल के बारे में पूछना होगा तो दोंदे आई उन हॉस्पिटल, स्पेलिंग सेम है लेकिन आप अगर सुनेंगे हॉस्पिटल, हम लोग हिंदी या मतलब वैसे तो ये इंग्लिश वर्ड है, हॉस्पिटल बोलते हैं, नहीं तो हिंदी तो अस्पताल है। तो दोंदे अस्ता उन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है। दोंदे पुएदो एनकोंत्रार उन टैक्सी, एनकोंत्रार मतलब मिलना, ठीक है। दोंदे पुएदो एनकोंत्रार उन टैक्सी, टैक्सी की स्पेलिंग सेम है लेकिन टैक्सी, ठीक है।
¿Dónde puedo encontrar un taxi? कि मुझे कहाँ पे टैक्सी मिलेगी, ठीक है? ¿Dónde puedo encontrar a un policía? पुलिस को policía. मनी हाइस्ट में आपने देखेंगे पीछे पुलिसिया लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पुलिस लिखते हैं वो लोग पुलिसिया लिखते हैं, ठीक है? एक बार मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ. ¿Dónde hay un hospital? ¿Dónde puedo encontrar un taxi? ¿Dónde puedo encontrar a una policía? ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो फीलिंग लॉस्ट के मोर और लेस ये सेंटेंसेस हैं जो हमें याद करने हैं. याद क्या करने हैं, अगर आप थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें दोंदे आई उन रेस्टोरेंट थे, दोंदे आई उन और जो जिस भी चीज़ अलबांको, ठीक है? इस तरह आप कई चीज़ें ढूंढ सकते हैं. और जब आपको कोई जैसे टैक्सी से रिलेटेड, दोंदे पोदो एनकोंत्रार उन टैक्सी, दोंदे पोदो एनकोंत्रार आउना पुलिसिया, ठीक है? अब अगर आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो बेसिकली हम जाके अगर आपने कुछ बुकिंग करवा रखी है तो आप उसे उसको बोलोगे वहाँ पे वेटर को, टेंगो उना रिजर्वेशन, टेंगो कि मेरा यहाँ पे रिजर्वेशन है, ठीक है? टेंगो उना रिजर्वेशन, टेंगो उना रिजर्वेशन. अब सपोज जब आप ऑर्डर कर रहे हैं दे तोमार, ये क्या है? ड्रिंक के लिए है. दे तोमार केरो, केरो के आई वॉन्ट वॉटर, फॉर एग्जाम्पल आगवा, ठीक है? दे तोमार केरो आगवा, मतलब ड्रिंक के लिए मैं पानी पीऊंगा. या अगर आप बियर पीते हैं तो फॉर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं सर्वेसा, सर्वेसा. दे तोमार केरो सर्वेसा. और अगर आप वाइन पीते हैं तो उसको बोलते हैं बीनो, तो दे तोमार केरो बीनो, ठीक है? अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यो सोए, यो सोए वेजिटेरियानो, वेजिटेरियानो, यो सोए वेजिटेरियानो. और अगर कुछ चीज जैसे मीट नहीं खाते तो नो कोमो कार्ने, कार्ने मतलब मीट, नो कोमो कार्ने. सलूट मींस चीयर्स, जैसे अपन चीयर्स करते हैं ना उसे स्पेनिश में सलूट बोलते हैं, सलूट, ठीक है? मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ. टेंगो उना रिजर्वेशन, ये जब आपकी बुकिंग होती है तब आप ये बोलते हैं टेंगो उना रिजर्वेशन. दे तोमार केरो आगवा, अगर आप पानी पी रहे हैं. दे तोमार केरो सर्वेसा, अगर आप बियर पीना चाहते हैं. और बीनो, अगर आप वाइन पीना चाहते हैं. यो सोए वेजिटेरियानो, यो सोए वेजिटेरियानो. नो कोमो अल कार्ने, नो कोमो अल कार्ने. सलूट मीन्स चीयर. क्विकली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब हम थैंक्स किसी से मिलने के बाद हम क्या बोलते हैं. जैसे ग्रासियस मीन्स आप लोगों को पता होगा, थैंक यू को ग्रासियस बोलते हैं. अदियोस बोलते हैं गुड बाय, गुड बाय, अदियोस. हस्ता लुएगो फिर मिलेंगे, ठीक है? सी यू लेटर. हस्ता मन्याना कल मिलेंगे. नोस बेमोस फिर मिलेंगे, ठीक है? क्लियर है? ग्रासियस अदियोस. जैसे अगर मतलब मैं अगर आपको बोलूं तो मैं कहूंगा हस्ता लुएगो फिर मिलेंगे, लेकिन अगर मुझे आपसे कल ही मिलना है तो हस्ता मन्याना, ठीक है? ये मैंने मेरी क्लास में बताया था कि जैसे अगर मुझे मॉर्निंग में